अब आपने कहा कि सर हमला होगा तो आपने तो ऐसे बता दो वीडियो में, आप नहीं कहते वीडियो देख के आना, हम तो वीडियो में फ्लो चलेंगे। नहीं नहीं, वो तभी डिस्कस कर रहा हूं ना उस चीज के बारे में, वो तो एग्जांपल था, आप जरूरी नहीं कि हर बार आप हमले की बताओगे। अब आतंकवादियों ने हमला कर दिया ना तो ऑन टू लगाएंगे सर हम तो नहीं आएगा वहाँ पे ऑन टू, क्या आतंकवादी भाग के आएंगे कूदेंगे आपके ऊपर? इसमें ध्यान से लॉजिकली समझोगे तो ऑन टू में दो चीज़ें हैं, एक ऑन है एक टू है। ऑन मतलब क्या होता है उस चीज़ के ऊपर, है ना। टू मतलब क्या कहता है, मूवमेंट को शो करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। आई एम गोइंग दिस प्लेस टू दिस प्लेस, है ना, फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस में जा रहा हूँ, तो मूव होने की बात है। मैंने कहा मैं अमेरिका जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अमेरिका, है ना। मैं लंदन जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू लंदन। टू मतलब मूवमेंट है, सिंपल दिमाग में आपके घुस गया। ऑन मतलब क्या होता है, किस चीज़ के ऊपर, बुक रखी है पोडियम स्टैंड पे, बुक इज कैप्ड ऑन द पोडियम स्टैंड। ग्लास रखा है टेबल पर, द ग्लास इज कैप्ड ऑन द टेबल। लगेज रखा है मेरे सर पे, लगेज इज कैप्ड ऑन माई हेड। रखा है मतलब टच होके उसके ऊपर होना ऑन होता है, ओके, ऑन ऑन समथिंग। ये ऑन द चेयर है आपका फ़ोन, ये आपकी नोटबुक कहाँ पर है, ऑन द चेयर है। वो क्या है, ग्लास ऑन द टेबल है, ओके। अब इन दोनों का मिक्स हो गया, यानी मूवमेंट भी हो गई ऑन टू में और उसके ऊपर जाने की बात भी हो गई। जब मूवमेंट के साथ किसी चीज़ के ऊपर जाने की बात हो वो ऑन टू है। आई बात समझ में? अब हमला ही नहीं है ज़रूरी। अब शेर ने हमला किया, वो तो मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई शेर आ भागा भागा कूद गया, शेर कूदता ना से और आपके ऊपर कूद गया। जब मैंने कहा ऊपर कूद गया तब की बात है ऑन टू, हर बार ऑन टू नहीं आएगा, राइट। अब वैसे जरूरी हमला हो, एक छोटा बच्चा भागा भागा आया, आपका कोई भतीजा है भतीजी है जो भी है, भागे भागे आया, बहुत दिन में दिखाई दे भाई बुआ या चाची मौसी बुआ जो भी है आ गई, भागा भागा आया बच्चा और भाग के एकदम आपके ऊपर कूद गया, है ना, खुशी में, तो वो ऑन टू है। द बॉय या फिर द किड जम्प्ड ऑन टू यू। अब ऑन टू कहाँ कहाँ आ सकता है? मैंने कहा ये ग्लास लो, पकड़ो, पकड़ लो ना, हाँ इस ग्लास को ना वहाँ रख दो टेबल पे। अब आप मिलेंगे जाओगे ना इसको, ओके सर आई एम गोइंग टू द टेबल, मैं जा रही हूँ तो टेबल पर। टेबल के ऊपर नहीं जा रहे ना आप, तो आप उस तक जा रहे हो, तो आप तो सिर्फ टू लगाओगे, आई एम गोइंग टू द टेबल, टेबल तक पहुँच गए। लेकिन ग्लास तो क्या करोगे, मूव भी होगा, टू भी है उसके साथ और उसके ऊपर जाने की बात भी है, है ना। तो आई एम पुटिंग रख रही हूँ, आई एम पुटिंग या कीपिंग भी कह सकते हैं, द ग्लास ऑन टू द टेबल, टेबल पर रख रही हूँ। दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं, पहले से कोई चीज़ ऊपर रखी है तो ऑन है, मूवमेंट के साथ गई है तो ऑन टू है, बस सिंपल। जैसे मैंने कहा ग्लास कहाँ रखा है, देखो लुक एट द ग्लास एवरीबॉडी, रखा है, रखा है, बस बात खत्म। द ग्लास इज कैप्ड कहाँ पर, ऑन द टेबल। इसमें ऑन टू क्यों नहीं आया, इसमें ऑन होना सिर्फ ऊपर की बात है, मूवमेंट की तो है ही नहीं बात, है ना। तो ग्लास रखा हुआ है, द ग्लास इज कैप्ड ऑन द टेबल। लेकिन मैंने कहा इस वाले ग्लास को, ये लो आपको दे देता हूँ, तो हाँ वो रखा उसको ना टेबल पर रख दो, पुट द ग्लास ऑन टू द टेबल, इसमें मूवमेंट भी है क्योंकि। अब कोई दिक्कत है? अभी बता एग्जांपल देता हूँ, आप चेयर पे बैठे हो तो कैसे कहोगे मैं चेयर पर हूँ, आई एम ऑन द चेयर। हालांकि चेयर के लिए इन भी आता, आपको पता हो तो, पता थी ये बात, चेयर पर ऑन चेयर लगाते हो ना बचपन से, इन चेयर भी होता है। अब सर मे थोड़ी ना, चेयर के अंदर थोड़ी ना है, राइट, फिर भी ऑन आता है और इन भी आता है, डिपेंड करता है चेयर किस टाइप की है। अगर आर्म्स वाली चेयर है जिसमें और कमर लगाने का भी है, तो आप एक तरीके से माना जाता है आर्म्स है, उसके अंदर बैठते हैं हम, इसलिए इन चेयर लगाते हैं। वो बैठा है चेयर पर, ही सिटिंग इन द चेयर, ओके। और आर्म्स वगैरह नहीं है तो हम ऑन लगाते हैं। नॉर्मली आप कुछ भी लगा सकते हो, देखो पीछे देखो, जो कार्तिक उस पर बैठा हुआ वाली चेयर कैसी है, उस पर आर्म्स नहीं है, ओन चेयर है, राइट, आप इन द चेयर हो, क्लियर है इतना। तो चेयर पर भी ओन होता है, पहले से बैठे हुए हो, सेंटेंस में क्या कहा मैंने, आप चेयर पर बैठे हुए हो, यू आर सिटिंग ऑन द चेयर। लेकिन मैंने कहा खड़े हो जाओ और जाकर उस चेयर पर बैठ जाओ, जाकर गो एंड सिट ऑन टू द चेयर, क्योंकि आप खड़े हुए, आपने मूवमेंट की, वहाँ तक पहुँचे, उसके ऊपर बैठ गए। तो वैसे उनमें
कोई डाउट है? ये होता है ओनर ओन टू, ओन टू ऑलरेडी वहीं पर होना, ओन टू मूवमेंट के साथ जाना, यही इन और इन टू होता है। इनका मतलब क्या होता है, मैं कोई चीज़ पहले से ही अंदर है वो क्या होगी हमारी, इन हो गई, मूवमेंट के साथ अंदर आने की बात है तो इन टू हो गई। अगर किसी का मेरे पास फ़ोन आए, भाई कहाँ है, मैं कहूँगा मैं स्टूडियो के अंदर हूँ, राइट, या मैं कमरे के अंदर हूँ, क्लास के अंदर हूँ, कहीं भी बताऊँगा, उस रूम के अंदर हूँ मैं, है ना, तो आई एम इन द रूम। क्या बोला? आई एम इन द रूम। लेकिन मैंने पूछा तू कहाँ है, मतलब बाहर हूँ, मैं अंदर आ रहा हूँ, मैं अंदर हूँ, वो अंदर आ रहा है तो दोनों में अंदर, मेरे अंदर में मैं पहले से अंदर हूँ, उस वाले में क्या है, उसने क्या कहा, मैं आ रहा हूँ अंदर, तो बोलेगा आई एम कमिंग इन टू हो जाएगा। अब क्यों, टू भी उसके अंदर और इन भी उसके सेंटेंस में, तो इनसे दोनों को मिलाकर बनता है इन टू, सो आई एम कमिंग इन टू द रूम, है दोनों में मैं ही। मैंने कहा भाई फ्रूट्स कहाँ हैं, आपने कहा सर फ्रिज में है, फ्रूट्स आर कैप्ड इन द फ्रिज, अंदर है पहले से ही, ठीक है ना, फिर इनको भी रख दो ख़राब हो जाएंगे। हाँ करिए, रख किया ना, ठीक है सर रख रही हूँ तो मैं रख रही हूँ, है ना, अभी मूवमेंट हो गया, अंदर रखने की बात है और मूवमेंट की बात है, आई एम पुटिंग द फ्रूट्स इन टू द फ्रिज, राइट, यहाँ पर हमने इन टू लगाया क्योंकि मूवमेंट की बात है। मेरा हाथ आउट ऑफ द पॉकेट, आई एम पुटिंग माई हैंड इन टू माई पॉकेट, रख रहा हूँ ना, राइट, मेरा फ़ोन कहाँ पर है, जेब में है, माई फ़ोन इज़ इन माई पॉकेट, और अगर मेरे हाथ में है तो, और मैं उसका रख रहा हूँ, आई एम पुटिंग इन टू माई पॉकेट, मेरी आत्मा कहाँ है, इन माई बॉडी, माई सोल इज़ इन माई बॉडी, अब निकल गए, क्या नाम था, दिव्या में चली गई तो माई सोल वेंट इन टू हर बॉडी, और आत्मा निकल के उसके सर पे बैठ गई ना, तो ओन टू हो जाएगा है ना, अंदर नहीं गई, जा नहीं पाई, उसने बोला मैं नहीं जाने दूँगी तो सर पे बैठ गई, इसके अंदर गई तो इन टू, सर पे बैठ गई तो ओन टू, सिंपल लॉजिक है ना, ओन ऊपर होता है, इन अंदर होता है, मूवमेंट जुड़ गई थी दोनों में, इन टू ओन टू हो गया। और कोई डाउट, ओन अबव और समझ में आया, ओन अबव और फिर से बता देता हूँ, ओन अबव और तीनों का मतलब क्या है, ऊपर, तीनों का मतलब ये चीज़ के ऊपर है, बट यूजेस अलग अलग है। ऑन व्हेन समथिंग इज टच्ड, जब उसके ऊपर कूदा था तो टच हुआ था ना, है ना, टच की बात थी, ही जम्प्ड ऑन टू मी, लायन जम्प्ड ऑन टू मी, कोई कुछ चीज़ गिर गई मेरे ऊपर, है ना, मानो छतरी गिर गई मेरे ऊपर, नहीं ऐसा ना हो, कुछ और ही बोल लो, बैग गिर गया मेरे ऊपर जैसे बस मैं बैठा हूँ सीट पर, ऊपर रखा होता ना बैग, तो ऊपर से नीचे गिर गया, मूवमेंट की बात है, ऊपर गिरने की बात है, बैग फेल ऑन टू मी, ऑन टू माई हैंड, है ना, अपोन भी आ जाता है यहाँ पे, ऑन टू अपोन कुछ नहीं है, क्या नहीं है, दोनों भाई भाई हैं, क्या है, जल्दी बोलो क्या है, कैसे भाई हैं, सौतेले भाई हैं ठीक है, नहीं सगे भाई हैं, कैसे भाई हैं, सगे भाई हैं। अब ऑन टू लगाओ अपोन लगाओ, मीनिंग सेम होता है, अपोन थोड़ा सा ज़्यादा तेज भाई है, एक होता है ना सीधे साधे, ओन टू सीधा साधा है, अपोन थोड़ा गुस्से वाला, एंग्री, जब कोई ऐसे ही एक्शंस स्पीड में होने वाले हों, क्विकली होने वाले हों, तो हम अपोन लगा देते हैं, जैसे कि लायन कूदा था, वो आराम से तो कूदेगा नहीं, आया आराम से आके, ये लो मैं आ रहा हूँ बचो, कैच कर लो, ऐसे नहीं ना, तो एक एग्रेसिव मैनर होगा, तो वहाँ पे ओन टू के बजाय अपोन ज़्यादा अच्छा माना जाता है, कोई खास डिफरेंस नहीं, दोनों को एक जगह पे लगा सकते हो आप, लेकिन अपोन में थोड़ा क्विक एक्शन है, ओके, कि सडन नहीं ऐसा काम हो, छलांग लगा दी उसने अचानक से, वो भाग के आया मेरे ऊपर कूद गया, इस इन सेंस में हम थोड़ा अपोन ज़्यादा प्रेफर करेंगे ओन टू के बजाय, बाकी लगभग सेम है। ओन अबव ओवर तीनों के तीनों मतलब क्या है, ऊपर है, राइट, अब ओन टच है, आई एम ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर के ऊपर हूँ, टच हूँ, किसी भी सरफेस के ऊपर होना ऑन होता है, अगर दीवार में फ़ोटो लगा है, सरफेस के ऊपर टच होता है फ़ोटो, फ़ोटो इज़ ऑन द वॉल कहा जाता है। कुछ लोग यहाँ पे बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं कि सत्य जी वॉल है तो वॉल के ऊपर यहाँ थोड़ी ना रखा है ना, टच तो यहाँ भी है, टच यहाँ भी है, यहाँ नहीं रखा सर इसलिए ऑन कैसे, ऑन तो किसी के ऊपर होता है, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही ऊपर हो, सरफेस के ऊपर होना इज़ ऑन, राइट, जैसे मान लो मेरी स्किन के ऊपर यहाँ कुछ चोट का निशान है
या कोई तिल है तो वो सरफेस के ऊपर है ना। अब जैसे ना मैं ऐसे करूँगा तभी वो मेरे ऊपर है ना, ऐसा है तो भी मेरे मुँह के ऊपर ही, वो सरफेस के ऊपर है, राइट। ऐसे ही ऑन द वॉल भी होता है। इस दुनिया में, दुनिया को हम दो तरीके से बोलते हैं, अर्थ भी कहते हैं, वर्ल्ड भी कहते हैं। लेकिन वर्ल्ड में क्या है, जमीन याद नहीं आती हमें। अर्थ का मतलब धरती होता है, धरती क्या है, एक सरफेस है। तो ऑन दी अर्थ होता है, ऑन दिस अर्थ ऐसे बोलते हैं ना, इस अर्थ पर ये। और दुनिया की बात होती है तो दुनिया को जगह नहीं है, सबको दुनिया कहेंगे, आप लोगों को भी मिलकर दुनिया कहते हैं, है ना। तो इन द वर्ल्ड होता है इसीलिए, क्योंकि दुनिया एक सरफेस नहीं है, ये धरती सरफेस है। ऑन दी अर्थ इन द वर्ल्ड, ऑन समझ में आया। अब हम बात कर रहे हैं अबव एंड ओवर। अबव लेवल की जब कंपैरिजन की बात हो, ऑन में तो चीज़ के ऊपर होना है ना, वो ऑन था। अबव में टच नहीं होता एक तो, और उसके ऊपर नहीं होने की बात होती, लेवल में ऊपर नीचे होता है। जिनमें उसके एग्जैक्टली ऊपर ही हो, वो दूसरी चीज़ कहीं और भी हो सकती है, तीसरी चीज़ कहीं और भी हो सकती है। उस सेंस में बस लेवल कंपैरिजन की बात हो तो हम अबव लगाते हैं। अब देखो समुद्र कहाँ, पहाड़ कहाँ, है ना, हम क्या कहते हैं, फिर भी वहाँ पे जब उनकी दूरी नापनी होती है, अबव सी लेवल। सी लेवल से हम नापते हैं हमेशा, किसी सी लेवल से इतनी ऊंचाई पर हैं, यहाँ की चढ़ाई, यहाँ के पहाड़, हिमालय के पहाड़, यहाँ के पहाड़, है ना, आपने सुना होगा कभी। तो उसके ऊपर थोड़ी ना है कि समुद्र से ऊपर है ये समुद्र, उसके ऊपर पहाड़ रखा है, नहीं, समुद्र कहीं और है, पहाड़ कहीं और है, उनके लेवल से, उनकी ऊंचाई के हिसाब से ऊंचाई नापी जाती है ना। मैंने कहा कैमरा लेवल को मेरे से ऊपर रखो, मेरे ऊपर मतलब सर पे ले आओगे, अब ऊपर यहाँ ऊपर नहीं है, लेवल की बात कर रहे हैं। कीप इट अबव माई आइज, अबव माई नेक, बिलो माई नेक, बिलो नीचे की सेंस में हो जाता है इसी तरीके से, ठीक है। अबव समझ में आ गया, लेवल की बात हो, कंपैरिजन की बात हो, ओके। जैसे कि आपका नाम मेरे नाम के नीचे है तो बिलो, मेरा नाम ऊपर है, लेवल में ऊपर है ना, अबव। पानी से मैंने नाक बाहर निकाल रखा है, सांस आता रहता कि वो लेवल है, है ना, मैं उसके ऊपर, मतलब मैंने रख तो ना दिया मेरे नाक उसके ऊपर रखा है भाई, पानी के ऊपर है मेरा नाक, पानी के ऊपर क्या वो कहीं रखा हुआ है, पानी के ऊपर है मतलब उस लेवल से ऊपर है। पनडुब्बी चलती है बिलो द सरफेस, उस सरफेस के नीचे चलती है, जो जितना लेवल होता है ऊपर का, बिलो होता है वो, लेवल की बात होती है, इस लेवल पर चलाना है। अब रह गया ओवर। ओवर तो सिंपल है, ऊपर हो, टच हो भी सकता है, नहीं भी हो, लेकिन ढकने की सेंस आनी चाहिए, कवरिंग की सेंस आनी चाहिए, चारों साइड से ढक सकते हैं तो एटलीस्ट दो से तो होना ही चाहिए, इसलिए फ्लाई ओवर होता है। एक वहाँ से रखा गया, एक वहाँ से रखा गया, फ्लाई ओवर है ना, दोनों तरफ से ढक रहा है, छत तो चारों तरफ से ढक रही है हमें। ओवर द रूफ इज ओवर माई हेड, ओन माई हेड, लव लेवल की बात है तो अबव, ओके। उस सिचुएशन पे देखना पड़ेगा क्या है, कई बार छत बनाते हो डिसाइड भी करते हैं कितनी ऊंची रखें, फिर हम कहते हैं भाई इतनी तो, इससे तो ऊंची होनी चाहिए। अब लेवल की बात चल रही है यहाँ पे, इट शुड बी अबव माई हैंड, ऐसे आपने हाथ किया है ना, लेकिन अब मैं क्या करूँ, एक मेरे सर पे छत है अभी, तो रूफ इज़ ओवर माई हेड, कवर कर रही है, मुझे ढक रही है ना। ऐसे ही फ्लाईओवर हो गया, अगर मान लो यहाँ पे मेरे निशान लग गए, चोट का निशान हो, तो वो ऑन होगा, अबव होगा, ओवर होगा, मेरे आईब्रो के ऊपर, अबव माई आईब्रो, ऑन माई आईब्रो, ओवर माई आईब्रो, ऑन नहीं है ये आईब्रो और इसके ऊपर यहाँ रखा हुआ है तो ऑन हो जाता। अब हम कब कहेंगे, लेवल की बात हो कि ये तो रही मेरी आईब्रो और यहीं कहीं इस ऊंचाई पर चोट का निशान है, अब वो भी नहीं है, है ना, तो अब वो तो नहीं, ऐसे थोड़ा ना होगा चोट का निशान, ऑन भी नहीं होगा, चोट का निशान ऐसे है, कवर कर रहा है ना, तो मार्क कैसा है, दैट इज ओवर माई आईब्रो, ओके। इसको बोलते हैं चोट के निशान को स्कार, सो देयर इज अ स्कार ओवर माई आईब्रो, क्लियर है। तो ये था उसमें प्रॉपरली, वैसे तो इनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत गहराई से समझोगे तो और भी इनके, ये तो मैंने बेसिक बताई हैं चीज़ें, बाकी वीडियोज़ में उसमें और डालूंगा, देन आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली कि कैसे कैसे हर एक प्रेपोजिशन को यूज़ करते हैं।